हेलो एवरीवन, देखा हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके जो प्रीवियस टॉपिक है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और मैंने इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिया भाई। ठीक है, इस सरफेस के अंदर जो है हमारा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, यानी कि वो कैसे यहाँ पे पूरे सरफेस में फैलता है। ठीक है, उसी को आज हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल ले लेता हूँ जहाँ पे मैं अपना इनिशिएटिंग चार्ज रख लेता हूँ, यहाँ पे क्यू नॉट। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप एक छोटा सा इस सरफेस को बाहर निकाल के दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्या हो जाए, इजी हो जाए समझना। ठीक है, इस सरफेस की मैंने ये वाली साइड तो इधर वाली साइड ले रखी है, यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा सरफेस है ये। इसकी मैंने एक साइड इधर बना दी और उसकी सेकंड साइड मैंने उधर वहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इस रीज़न पे, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और सिमिलरली जो हमारा सरफेस है, सरफेस जो एरिया है उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा हमारा थीटा, वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, सेम कंडीशन हमारी इस सरफेस की होगी, यानी कि अगर मैं इस सरफेस को यहाँ पे राइट मान लेता हूँ और इसको मैं इसको लेफ्ट मान लेता हूँ और इसको मैं राइट कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये जो हमारा राइट साइड का जो रीजन है वहाँ भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ भी क्या होगी, आउटर साइड होगी, और जो सरफेस है हमारा वो भी ऐसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सरफेस को मैंने यहाँ पे ऐसे मान लिया है। क्लियर है भाई इतना आपको? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो रीजन लिया है वो छोटा सा एरिया लिया है, तो इस छोटे से रीजन को मैं यहाँ पे DS करके यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है भाई, एंड देन और हम जानते हैं कि हमारी जो सरफेस डेंसिटी होती है, सरफेस मतलब पूरे एरिया की, तो वो क्या होगी, उसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, सिग्मा के साथ। सरफेस डेंसिटी होगी भाई हमारी कितनी, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन में क्या हमारा एरिया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या, एक छोटा सा चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, छोटा सा एरिया कंसिडर किया हुआ है, तो इनिशिएटिंग चार्ज के लिए जो हमारी डेंसिटी होगी वो होगी भाई हमारी DQ अपॉन में DA। ठीक है, और मैंने यहाँ पे A को मैंने यहाँ पे S लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि DQ अपॉन में DS। एंड नाउ सिग्मा इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सरफेस प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। तो भाई हमारे यहाँ पे सिग्मा क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि चार्ज डेंसिटी है जो पर यूनिट एरिया पे क्या हो रही है, हमारी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम जानते हैं कि जो हमारा स्मॉल एरिया के लिए जो फोर्स होगी, स्मॉल रीजन के लिए हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो हमारी क्या होगी भाई, DF वेक्टर इक्वल टू के, हमारा यहाँ पे क्या है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप जानते हैं सभी। ठीक है, इनटू में DQ हमारा चार्ज है और क्यू नॉट हमारे यहाँ पे इनिशिएटिंग चार्ज है। ठीक है, और चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, R² रखते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे रीज़न निकाला था उस रीज़न से अगर हम क्या करें, बिकॉज हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है भाई, DQ अपॉन में DS है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं DS की मल्टीप्लाई सिग्मा के साथ कर देता हूँ तो मैं यहाँ से DQ की वैल्यू मिल जाएगी। तो DQ हमारे यहाँ पे स्मॉल है, मैं यहाँ पे इसको स्मॉल ही करके लिख लेता हूँ कि DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में DS। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे DQ के, मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ DQ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी फोर्स की वो हमारी होगी भाई सिग्मा इनटू में DS
क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर होगी। इतना क्लियर है भाई आप सभी को? ठीक है, देखो ये तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो तो स्मॉल एरिया के लिए है, छोटे एरिया के लिए है। अगर हम क्या करें पूरे सरफेस के लिए, यहाँ से अगर क्या फोर्स निकालना चाहते हैं पूरे सरफेस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उसे अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी एफ का। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं हम लोग बाई इंटीग्रेटिंग द फोर्स, सॉरी क्या लिखा मैंने यहाँ पे डी एफ फोर कैलक्यूलेटिंग होल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन होल रीजन या होल एरिया या होल सरफेस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो होगी भाई हमारी यहाँ से F इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ऑफ डी एफ इक्वल टू, जो हमारी डी एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी एफ की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आई थी भाई, इंटीग्रेटिंग के सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। और हम जानते हैं हमारा कि के यहाँ पे क्या भी कांस्टेंट है, तो हम उसको यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। के मीन्स क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, के हमारे यहाँ से कॉमन आ जाएगा। डी एस हमारा सरफेस है, ये तो चेंज हो रहा है लगातार, ये तो कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन क्यू नॉट हम यहाँ से कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, और चार्ज जो बीच की डिस्टेंस है वो भी हम यहाँ से कांस्टेंट ले सकते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रेटर होगा वो किसका होगा भाई, अब सिग्मा एंड डी एस का होगा। इतना क्लियर है भाई आपको? तो हमें जो होल फोर्स कैलकुलेट करनी है वो हमारी क्या होगी भाई, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर फ्रॉम ज़ीरो से होल सरफेस, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा डी एस। इतना क्लियर है भाई आपको? ठीक है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो पूरे सरफेस के लिए जो कैलकुलेट हम लोगों ने की है वो कितनी होगी, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग जीरो टू एस। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको गिवन होगा, एस जो होगा आपको गिवन होगा, आपके जो न्यूमेरिकल वगैरह दिए जाएंगे वहाँ पे एस आपको गिवन होगा। क्लियर है? ठीक है इतना भाई आपको? ओके, एंड इसकी जो अदर हमारा टॉपिक बचता है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।